तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के डाली थी जिसको आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। तो दोस्तों बगैर टाइम लिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शेख हसीना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये स्टेडियम बांग्लादेश की ढाका सिटी में बनाया जा रहा है जिसको बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के नाम पर बनाया जा रहा है। शेख हसीना स्टेडियम को फेज वन में 50,000 स्पेक्टेटर की बैठने के लिए बनाया जाएगा और फिर फेज टू में 20,000 कैपेसिटी बढ़ा के 70,000 स्पेक्टेटर की बैठने की क्षमता कर दी जाएंगी। शेख हसीना स्टेडियम बन जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट को एक अलग पहचान देगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये स्टेडियम BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका ग्लैडिएटर्स और ढाका डायनामाइट का होम ग्राउंड रहेगा और इंटरनेशनल मैचेस में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड रहेगा। इस स्टेडियम को 1100 करोड़ बांग्लादेशी और 978 करोड़ इंडियन रूपी में बनाया जा रहा है। अब हम आपको जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताएंगे। जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को जयपुर के पास चौब गांव में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के पास बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम पूरा कंप्लीट बनने के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये स्टेडियम IPL में राजस्थान रॉयल्स और इंटरनेशनल मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड रहेगा। इस स्टेडियम में 75,000 स्पेक्टेटर एक वक्त में मैचेस को एंजॉय कर सकेंगे। इसको बनाने के लिए एस्टिमेटेड 300 करोड़ इंडियन रुपीस की लागत आएंगी। दोस्तों चाहे स्टेडियम कहीं भी बने, ये स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है क्योंकि स्टेडियम बनने से न्यू टैलेंट को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और दोस्तों ये दो स्टेडियम बनने के बाद क्रिकेट एरिया में एक अलग पहचान बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।